बिहार की राजनीति में एक युवा चेहरा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की। जिस तरीके से ओसामा से मिलने के लिए एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता उनके घर तक पहुंच रहे हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कई तरह की जिस तरीके से समीकरण की बात की जाती रही है, और ऐसे में अब ओसामा शहाब का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। अपने पिता शहाबुद्दीन के अंदाज में दिखे हैं ओसामा। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप देख सकते हैं वह पोस्ट जिसमें ओसामा शहाब ने लिखा है, मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं था इसलिए बाजी हारता गया, वो चाल चलते रहे और मैं रिश्ता निभाता रहा, अब हवा का रुख मैं तय करूंगा, इतिहास भी हमारा है, सफर भी हमारा होगा, कुछ शाखाओं को याद दिला देना, दोस्तों मैं मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का संतान हूं, अब बात सिर्फ राज्य की नहीं पूरे साम्राज्य की होगी, अपनों के दुआओं का तलबगार हूं, दुआओं में याद रखें आपका अपना ओसामा साहब। तो देख सकते हैं किस तरीके से ओसामा ने एक फेसबुक पोस्ट किया, उस पोस्ट में सीधे तौर पर यह कह दिया कि अब जो हवा का रुख होगा वह तय करेंगे ओसामा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शतरंज का खिलाड़ी वो नहीं थे, बस वह तमाम रिश्तों को निभाते रहे, उनके खिलाफ साजिशें होती रहीं, लेकिन अब वह तमाम चीज़ों को समझ चुके हैं। आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था, दिल्ली में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन हुआ, उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था। जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा अकेले पड़े हुए थे, लगातार उनके सहयोग में उनके समर्थक वहां पहुंच रहे थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल के नेता वहां तक नहीं पहुंच रहे थे, उनकी मदद के लिए नहीं आए, तो एक अलग तरह की नाराजगी राजद को लेकर, राजद के शीर्ष नेतृत्व को लेकर देखी जा रही थी। उसके बाद लगातार तमाम नेता उनके घर पर पहुंचने लगे, चाहे तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों के नेता हो, चाहे ददन पहलवान हो, या ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता हैं जिन्होंने ओसामा से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। पप्पू यादव ने मुलाकात की, तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की, ऐसे बहुत सारे जो दर्जनों नेता हैं जो अब तक उनके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जिसके बाद अब ओसामा शहाब का यह अंदाज देखने को मिल रहा है, आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में ओसामा क्या कुछ उलटफेर करते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ था, उस वक्त एक फर्जी ट्वीट किया जा रहा था ओसामा के नाम से, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने तेजस्वी यादव को भी जमकर खरी खोटी सुनाई थी, चेतावनी दे दिया था। हालांकि बाद में ओसामा ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि यह सब फर्जी चल रहा है, हमने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन अब ओसामा ने खुलकर अपनी बात रख दी है। क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स के लिए बेटर हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।